दोस्तों, मैं हूँ सीमा लक्ष्मी नारायण गार्डन से। मैं एक हफ्ते 10 दिन के बाद अपने गार्डन में आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैंने अपडेट दी थी कि मैं बाहर गई थी, और ये देखिए हमारे जो पौधों में पानी की किसी किसी में नहीं पड़ा है। तो जो पौधे पानी कम लेते हैं उनमें अगर जो पानी नहीं पड़ा है तो कोई बात नहीं, बाकी और जो पौधे हमारे कुछ सूखने भी लगे थे। ये देखिए हमारा बहुत खूबसूरत पौधा है जो आप लोग जानते भी हैं, इसका नाम मुसंडा प्लांट है। मुसंडा प्लांट के देखिए ये फूल थोड़े से सूख गए हैं, इधर से थोड़ी स्टेम सूख गई है। पौधा इसमें पानी नहीं पड़ा, बिल्कुल 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 पानी नहीं पड़ा है। और बरसात का पानी हमें लग रहा है कि परसों बरसात हुई थी तो बरसात का पानी थोड़ा बहुत पड़ा था, इसी वजह से हमारा पेड़ हरा भरा है, थोड़ा बहुत फ़र्क आया है। और जो गुलाब के प्लांट, देसी गुलाब में बहुत कम, जैसे ज़्यादा पानी ना डालें, और एक दो दिन चल जाते हैं तो एक दो दिन पानी बरसा, दो तीन दिन में इसमें घास भी उगाई। हर समय मैं घास निकालती रहती हूँ पौधों की, तो पौधों की जब घास निकल आती है तो हमारे पौधे बढ़िया से नहीं चलते हैं गमले में। तो इस समय मैं थी नहीं तो घास भी जमाई है, हर पौधे में घास जमी है, क्योंकि थोड़ा सा पानी अगर जो बरसात का पड़ जाए तो घास बहुत जल्दी पौधों में उगती है। ये हमारा काम बढ़ गया है। डेली मैं गार्डन में आती हूँ तो कुछ ये सब काम होते रहते हैं, तो हमको काम हमारे ऊपर ज़्यादा नहीं आता, लेकिन इस बार मैं एक हफ्ते 10 दिन के बाद गार्डन में आई हूँ तो देखिए कितनी ज़्यादा पौधों में, हमारे गमलों में घास जमी हुई है। तो आप लोग देखते हैं, आप लोग हमारे गार्डनर जो सब लोग जानते होंगे कि अगर जो पानी थोड़ा सा बरसात का पड़ जाए तो घास जरूर उगाती है। और अब समय आ गया है हमारे पौधों में खाद देने का, तो पौधों की घास हटाने के बाद में, हमें गुड़ाई करने के बाद में पौधों में खाद देनी है। तो और हमारा मनोकामनी का पौधा, इसमें देखिए इसमें भी घास जमी है, घास जमने के बाद में घास सूखने भी लगी क्योंकि पानी इसमें नहीं मिला इसको। आज हमको सब यही गार्डन में अपने करना है कि पानी जिसमें पानी जिसको पानी देना है उसको पानी देना है, बाकी घास निकालनी है। इस तरीके से मेरी ये देखिए काम चल रहा था, छत में फर्श बन गई है तो अब हमारा काम बढ़ गया है थोड़ा बहुत। ये देखिए हमारा पौधा, इसमें भी गमले में देखिए सूखी बिल्कुल मिट्टी है, इसमें भी पानी नहीं गया। बहुत सारे पौधे हैं जिसमें हमको ये डिफेंस बैक किया गया है, प्लांट तो इधर उधर ट्रांसफ़र करने में इसकी कितनी खूबसूरत पत्ती थी नीचे मुड़ के टूट गई, और टूटी पत्ती अच्छी नहीं लगती तो इसको मुझे निकालना है। और ये हमारा पाम है, चाइना पाम है, देखिए कितना खूबसूरत है, इसमें भी बहुत ज़्यादा घास जमी है। और घास जब जमाती है तो हमारे पौधे में फ़र्क पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि घास न्यूट्रिशंस लेती रहती है, घास को ज़रूरी निकालना होता है। और ये सब आज मैं घास निकालूंगी, यही हमारा आज का काम होगा, पूरे कम से कम 2-3 घंटे इसमें हमारे गार्डन में लगने वाले हैं। बहुत सारे पौधे हैं, पूरी छत पे पौधे रखे हुए हैं तो उनको सबको हमको सही करना है। ये देखिए ये जो हमारे पौधे जो अंदर रखे थे टीन शेड में, उनमें भी देखिए पत्तियाँ सूख गई हैं, जो मैं डेली के काम ये सब करती रहती हूँ, बहुत सारे काम हमारे पर आ गए हैं। गुड़ाई करने के बाद उनमें हमें खाद देना है, और जगह जगह पे हमारे पौधे के ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। जैसे ये हमारा जो पपीते का प्लांट है कितना बड़ा हो गया है, इसमें फ्लावर भी आ गया है, अब छोटे छोटे से फ्लावर लगे हैं, फ्लावर लगने के बाद में इसमें पपीते आने शुरू हो जाएंगे और जाड़ों में हम पपीते खाएंगे। हमारे जो प्लांट जो रबर प्लांट की कटिंग मैंने इसमें लगा दी थी, कितनी बढ़िया सी कटिंग चल गई बहुत खूबसूरती से। और ये देखिए हमारे मैंने गुड़हल की कटिंग लगाई थी, गुड़हल की कटिंग बहुत बढ़िया चल गई। इससे हम निकालने के बाद में हम गमले में ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास काम है। और ये देखिए हमारा गुड़हल का प्लांट बिल्कुल सूखा सूखा लग रहा है, इसमें पानी नहीं गया। इस वाले हमारे नींबू के प्लांट में भी इसको आज हमें ट्रांसफ़र करना होगा इस गमले से निकालने के बाद। और टिकोमा प्लांट है, बढ़िया से फ्लावर खिले हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा बहुत पानी की ज़रूरत नहीं होती है। कनेर के प्लांट में भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो इन पौधों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और फ़र्क पड़ा है हम अभी दिखाते हैं आपको। मनोकामनी भी बढ़िया, हमारी सावनी भी बढ़िया खिली हुई है। जितने मेरे गुड़हल के प्लांट है देखिए सारों पे फ़र्क आया है। गुड़हल के प्लांट में बिल्कुल पानी नहीं है, और इनको सबको पानी देना है। जो हमारे जितने गुड़हल के प्लांट है किसी में पानी नहीं, लेकिन गुड़हल के प्लांट ऐसे होते हैं अगर थोड़े दिन पानी नहीं पड़ता उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पत्तियाँ सी मुरझाई सी लग रही हैं, आपको दिख रही होंगी पत्तियाँ मुरझाई सी लग रही हैं गुड़हल के पौधों में। और इधर जो हमारे पौधे रखे हैं चांदनी के हैं, बड़ी चांदनी, अब ये देखिए छोटी वाली चांदनी, इसके भी पौधे बिल्कुल पत्तियाँ बिल्कुल झुकी हुई हैं बहुत सारी। और हमारे समी प्लांट भी ख़राब हुआ है, देखिए समी प्लांट की पत्तियाँ पीली हो गई हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा हमारे पौधों में फ़र्क आया है। हमारा मीठी नीम का प्लांट है, इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि इसका भी गमला सूखा पड़ा है, इस पर फ़र्क नहीं पड़ा है।
और जितने गुड़हल के प्लांट हैं सब सूखे हैं, सबकी पत्तियां मुरझाई हुई हैं। और ये हमारा कनेल का प्लांट है, इसको इसकी देखिए पत्तियां बिल्कुल झुक गई, बिल्कुल सूख गई हैं, छोटे छोटे फ्लावर लगे हैं लेकिन सारी पत्तियां झुक गई हैं। और हमारा ये देखिए ये जो पीपल का प्लांट है ये कितना ख़राब हो गया, पीपल के प्लांट में बिल्कुल पानी नहीं गया तो ये ख़राब हो गया है। एक कहीं बाहर चले जाओ तो पौधों में बहुत फ़र्क पड़ता है, हमारे बहुत सारे पौधे सूखे सूखे हैं। तब ये हमारे ये सेमी प्लांट कितना खूबसूरत हमारा सेमी प्लांट था, पूरा झुका हुआ पूरा सूख गया है, इसको सही करना है। इसकी पत्तियां अब सूख गई हैं, वो पत्तियां झड़ जाएंगी। देखिए जो इसके शेड में रखा था छोटा सा, ये भी थोड़ा सा सूखने लगा है और बिल्कुल बिल्कुल वज्र जैसी से पत्थर जैसी मिट्टी है, पत्थर जैसी मिट्टी होने के वजह से हमारे देखिए सेमी प्लांट में कितने सुंदर सुंदर से फ्लावर लग रहे थे। तो सारे जो हमारा पौधा है बिल्कुल सूखा पड़ा है, पानी नहीं मिला इनको, इस तरीके से हमारा गार्डन बहुत डिस्टर्ब हो गया है। और हमारा देखिए कितना खूबसूरत जो हमारा बोट लिली का प्लांट, देखिए सब सूखा सूखा सा लग रहा है, इसमें घास जमाई है, घास भी हटानी है। और इसमें कम पानी इनको चाहिए तो थोड़ा सा फ़र्क कम पड़ा है इसमें, लेकिन फिर भी बहुत फ़र्क पड़ गया है। देखिए फूल खिल रहे हैं लेकिन मुरझाए मुरझाए से लग रहे हैं, और इनको भी सही करना है मुझे। चमेली का प्लांट है, चमेली के जैस्मिन चमेली का प्लांट, देखिए सब सारे सारी पत्तियां जगह जगह पर सूखी लगी हैं बिल्कुल, इसमें भी पानी नहीं, इसको भी पानी में बहुत फ़र्क पड़ा है कि पानी कम मिला है। और मैं आपको दिखाती हूँ क्रोटोन वगैरह में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ये हमारा हिबिस्कस का प्लांट है, और ये देखिए हमारा लेमन ग्रास बिल्कुल सूख गई, लेमन ग्रास में पानी नहीं मिला तो बिल्कुल सूखी सूखी सी लग रही है, और इसमें मैं पानी दे दूंगी तो बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। जड़ मजबूत जड़ अगर जो ख़राब नहीं होती तो हमारा पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है, जो सूखी पत्तियां होती हैं वो फिर से झड़ जाती हैं, दूसरी पत्तियाँ नहीं निकलती हैं, और इसमें तो पत्तियाँ अपने आप खुल जाएंगी। और हमारे एलोवेरा पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि एलोवेरा जो हमारा होता है सुकुलेंट प्लांट में आता है, इसमें बहुत मोटी मोटी लीव्स होती है, इसके अंदर जेल होता है, तो इस पर पानी ना पड़े ना मिले तो कोई बात नहीं। और इस तरीके से हमारे बहुत पौधों में फ़र्क आया है। कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो सबसे पहले पौधों के जो हमारे पौधे होते हैं बहुत ख़राब हो जाते हैं, उनके साथ हम डेली आते हैं तो हमारे पौधे उस तरीके से होते हैं। और रेन लिली का है देखिए इसमें फ्लावर निकल रहे हैं, इसमें बिल्कुल पानी नहीं, इसको आज मैं बस पानी दे दूँगी और सारे पौधों को सही करना, यही आज हमारा काम है। और आशा है मेरा आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, कि जब कहीं बाहर जाएँ तो देखभाल करने के लिए कोई घर में होना चाहिए पौधों को, और वरना पौधे ख़राब हो जाते हैं। और बाहर जाना तो पड़ता पड़ता है, लेकिन बाहर जाने के बाद में हमारे पौधे ज़रूर ख़राब होते हैं। आज मैं अपने पौधों को सही करूँगी। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो में लाइक करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, लिंक को शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।